आज 30 सितंबर 2022 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 23rd सितंबर एंड इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कलयुग की विशेषता बाबा ने आज की मुरली में बताई हुई है। पूरा खेल ही है बुद्धि का, इसलिए राजयोग को बुद्धि योग भी कहा गया है। जितनी बुद्धि स्वच्छ पवित्र पारस उतनी अवस्था बहुत अच्छी, क्योंकि कर्म अच्छे। और जितनी बुद्धि कनिष्ठ पतित पत्थर उतने कर्म भी कनिष्ठ और भविष्य भी ऐसे ही बनेगा। आज बाबा ने उस फिलॉसफी की बात कही है। बाबा ज्ञान का सागर है, तो जितने भी तत्व ज्ञान जितने भी फिलॉसफी पंथ है वो सब संगम युग पे ही फॉर्म होते हैं। वंडर लगता है कि कैसे बाबा से ये होता है, उसके लिए तो नेचुरली होता है। बहुत सारे तत्व ज्ञान इस समय है। एक शब्द है जो इस समय इस्तेमाल किया जाता है कि पाथ, पाथ माना रास्ता। मुझे याद आ रहा है कि एक कुमार हमारे ज्ञान में चले, तो उनके माँ बाप भक्ति मार्ग के थे, तो काफी बंधन था उस कुमार को। तो उनको समझाने के लिए कि भाई बहने, तो उन्होंने कहा कि सभी रास्ते परमात्मा के पास ही जाते हैं। तुम्हारे रास्ते से तुम जा रहे हो, हमारे रास्ते से हम जा रहे हैं। तो ये जो रास्ता है इसके ऊपर बाबा ने आज कहा कि सही रास्ता है या सच्चा रास्ता है या झूठा रास्ता है, कैसे पता चले? हु इज टू डिसाइड, कौन निर्णय करेगा कि रास्ता सही है नहीं है? अभी तक जितने आत्माएं इस रास्ते पर चले हैं, खास करके भक्ति मार्ग में, ऐसे कहते हैं कि उनके गुरु जो थे वो मुक्त हो गए। उन्होंने इतनी साधना की कि वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गए, उनको मोक्ष मिल गया या वो स्वर्ग में चले गए। तो उनका रास्ता ही सही है और हम हमारे गुरु को फॉलो करेंगे। तो बाबा ने आज प्रश्न पूछे हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। और बाबा ने कहा है, स्वयं भगवान कह रहा है कि इस समय के मनुष्य मात्र जो है, जो भी करते हैं, जो भी संकल्प करते हैं वो विकल्प हो जाता है। विकल्प माना गलत हो जाता है, पाप कर्म हो जाता है, क्योंकि संकल्प ही पाप का करते हैं। अभी ये बात अगर हम बाहर किसी को सुनाए तो उनको गुस्सा आ सकता है, पर स्वयं भगवान ये कह रहे हैं, जो कर्मों की गति जानता है, ज्ञान का सागर है, जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है, और जो सब ड्रामा को देख रहा है, कल्प वृक्ष का चैतन्य बीज है, सच है, सत्य है, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं,
तो हम कितने भाग्यवान हैं बाबा के बच्चे कि हमको यथार्थ ज्ञान मिला है। कल भी बाबा ने प्रश्न में पूछा था कि यथार्थ याद नहीं होते हैं तो क्या होता है, तो विकर्म होता है। आज फिर से वही बात बाबा पक्का करा रहा है कि बुद्धि में राइट और रॉन्ग की समझ नहीं है, इसलिए रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं और राइट को रॉन्ग समझ लेते हैं। तो बाबा ने आज की मुरली में प्रश्न पूछे हैं। एक प्रश्न जो मुझे अच्छा लगा कि एक तरफ कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, जैसे हमने भगवत गीता में देखा दूसरे अध्याय में सांख्य योग में 23वां श्लोक, नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापह न शोषयति मारुतः। माना जिसको आग जला नहीं सकती, जिसको पानी भिगा नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकती, ऐसी आत्मा है, अचिंत्य है। आप उसके चिंतन भी नहीं कर सकते, इतनी सूक्ष्म है वो। तो ऐसी अविनाशी आत्मा फिर ज्योति ज्योत कैसे समाती है, इसका मतलब उसका पाठ खत्म हो जाता है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर आपका गुरु वो अगर मुक्ति में चला गया तो फिर उसकी बरसी क्यों मनाते हो? अगर वो स्वर्ग लोक में गया है तो अच्छा है, फिर उसको नरक में क्यों बुलाते हैं? तो ये रॉन्ग हो जाता है। तो दोनों बातें बैठती नहीं है। ऐसे ही सर्वव्यापी की बात ही ले लो, आज बाबा ने उसको भी कहा कि प्रश्न पूछो कि भगवान कौन है। तो कई लोग लिखते हैं कि हनुमान भगवान है, या सभी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो। अभी जब सभी रचयिता है तो रचना कौन है, ये फिर कन्फ्यूजन है। माना अपनी ही बात को काट रहे हैं। अगर सभी भगवान है या कण कण में भगवान है तो उसको याद करने का प्रश्न ही नहीं आता है, भक्ति ही खत्म हो जाती है। अच्छा, फिर अगर सभी भगवान है तो फिर उसका अवतरण का क्या महत्व है? फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि भगवान ऊपर रहता है? जो भगवत गीता में हमने देखा, दो बार श्लोक आता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। हमने देखा ये दो बार श्लोक आता है कि मैं परम धाम निवासी हूँ, जो मेरे पास आते हैं परम धाम में आते हैं, जहां से फिर वापस लौट के नहीं आना होता है, वो मेरा परम धाम है। ऐसे भगवत गीता में दो बार श्लोक आता है। तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं? अगर वो परम धाम में है तो नीचे कैसे है, है ना? तो अपनी बात को काट रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि सब रॉन्ग है। 9वें अध्याय में भगवत गीता के और एक बहुत सुंदर बात आई है। 9वां अध्याय बहुत सुंदर है भगवत गीता का, जो कि राजयोग कहा गया है उसको, राज विद्या राजगुह्य योग। तो 9वें अध्याय में एक बहुत सुंदर श्लोक आया हुआ है कि कौन किसको याद करता है और वो कहाँ जाता है। जिसको जिसको याद करता है तो वहां वहां वो जाता है। 25वां श्लोक है, यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूते जा यान्ति मध्याजिनो अपि माम। माना जो देवताओं को याद करते हैं, व्रत रखते हैं उनका, वो देवताओं के पास जाते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। ये श्लोक इसीलिए याद आया क्योंकि अभी पितृ पक्ष है और शायद जल्द ही अमावस्या आने वाली है, तो पितृ अमावस्या कहते हैं या पितृ अमावस्या, जो भी अलग अलग शब्द है। तो देवताओं को याद करने वाले देवताओं के पास जाते हैं, पितरों को याद करने वाले पितरों को पास जाते हैं, और भूतों को याद करते हैं वो भूतों को प्राप्त करते हैं, और मेरी भक्ति करने वाले मध्याजिनो अपि माम मेरे को आते हैं।
इसका मतलब आप यहाँ पर नहीं हो। तो बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है भगवत गीता में, जिसको बाबा ने आज याद किया है। इसलिए कहा कि रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं। तो बाबा ने ऐसे प्रश्न पूछे हैं, हमको भी किसी को समझाना है तो केवल प्रश्न पूछना है, और किसी को सीधा रॉन्ग है ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी को रॉन्ग कहते हो तो उसका अहंकार को ठेस पहुंचती है, और इस समय तो सभी देहाभिमानी है, तो वो भी अपने आप को सिद्ध करने लगते हैं कि कैसे हम राइट है। तो इसमें जाना ही नहीं है आर्गुमेंट में, किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट या डिबेट में हमको जाना ही नहीं है। मेरे पास एक आत्मा आई थी भक्ति मार्ग की, वो जो बाबा कहते हैं ना जुत्तियों में हनुमान की तरह, वैसे आई। उन्होंने देखा ये कुमार है, पवित्र जीवन जीता है, इसको कन्वर्ट करते हैं, तो मुझे अपने पंथ में ले जाने के लिए आए। और उनका रूप कैसे होता है कि मैं आपसे सीखने के लिए आया हूँ, आपका ज्ञान जानना चाहती हूँ, इस रूप से आए। और बहुत अच्छी आत्मा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पवित्र आत्मा, वो भी ब्रह्मचारी। तो मैंने तीन लोगों का चित्र बताया, तो उन्होंने कहा कि आपका शिव तो परम धाम में रहता है, और परम धाम में जाने के बाद सबको वापिस आना पड़ता है, लेकिन जो ऊपर भगवान के पास जाते हैं उनको आना नहीं पड़ता है। भगवान के पास गए तो उनको आना नहीं पड़ता है, ऐसे ऐसे मान्यता है। तो मैंने उसको समझाया कि ये ज्ञान हमको स्वयं परमात्मा ने दिया है। तो कहते शास्त्रों में तो 14 लोगों का वर्णन है, आप तो केवल 3 लोगों की ही बात कर रहे हैं, और टॉप मोस्ट फ्लोर पे भगवान रहता है। ये बात तो ठीक है, टॉप फ्लोर पे रहता है, लेकिन वो 14 लोग कहते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद वापिस आना आने की ज़रूरत ही नहीं है। और उन्होंने रेफरेंस दिया कि भगवत गीता वाले थे, उनको पता था, मैं पढ़ता हूँ बोलता हूँ। 8वें अध्याय में 16वां श्लोक है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नो अर्जुन मामु पेत्ते तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। माना ब्रह्म लोक तक जितने भी लोक है वो सब पुनरावर्ती है, ब्रह्म लोक में जाने के बाद वापिस आना पड़ता है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे पाने के बाद, माना परमात्मा को पाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ, और ये सब ब्रह्मादि के लोक है, काल द्वारा सीमित होने से अनित्य है। तो ऐसे स्पष्ट लिखा हुआ है। तो वो कहते कि आप लोगों को तो वापिस आना पड़ेगा, बेचारे जन्म मरण के चक्कर में। अभी बाबा ने कुछ दिन पहले भी मुरली में कहा था, उनको दया आती है कि ये बेचारे जन्म मरण के चक्कर में आने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्म लोक तक ही जाते हैं। फिर मैंने उनको कहा, भैया आई रेस्पेक्ट योर फिलोसॉफी, मैं आपका ज्ञान का सम्मान करता हूँ, पर मेरे पास जो ज्ञान है उसमें मैं संतुष्ट हूँ, और मुझे पक्का निश्चय है। तो आप अपने ज्ञान से खुश रहो, मैं अपने ज्ञान से खुश रहता हूँ। नो आर्गुमेंट्स। आप आर्गुमेंट में जाएंगे ना तो आप बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, उसके लिए अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। और मुझे तो ऐसे लगता है कि हम कितना भी आर्गुमेंट करें हम जीतने वाले नहीं हैं, हमारी अवस्था ही हमको प्रत्यक्ष करेगी। इसको अंडरलाइन करेंगे, हमारी संपूर्ण अवस्था ही हमको प्रत्यक्ष करेगी, जो मम्मा बाबा ने करके दिखाया, दादियों ने करके दिखाया, अपने आप लोग झुक जाएंगे। पर उस अवस्था के लिए हमको पुरुषार्थ करना चाहिए, हमारा पुरुषार्थ ऐसे हो कि हमारी अवस्था देख के लोग एक्सेप्ट करें कि इनको बनाने वाला केवल भगवान हो सकता है। लेकिन उसके लिए बुद्धि राइट जजमेंट देनी चाहिए, इस समय बुद्धि रॉन्ग जजमेंट देती है। तो बाबा बार बार इसके ऊपर हमारा अटेंशन खींचवा रहा है कि बच्चे तुम सच्चे रास्ते पर हो। रास्ते के बारे में फिलोसॉफी ये है कि अंग्रेजी में ऐसी कहावत है,
अगर रास्ता अच्छा हो, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताते हैं कि अगर रास्ता अच्छा हो तो पता करो कि किधर जाता है, लेकिन अगर मंजिल अच्छी हो तो रास्ते की चिंता मत करो, आप चलते रहो। इसको कहते हैं कि रास्ते की जर्नी को या यात्रा को एंजॉय करना। अभी लोगों ने देखो अपनी बुद्धि के अनुसार इसको उठा लिया, अब ये बात बहुत अच्छी है। अंग्रेजी में कहते हैं कि हैप्पीनेस, लाइफ इज अ जर्नी एंड हैप्पीनेस इज अलॉन्ग द पाथ, नॉट एट द एंड ऑफ डेस्टिनेशन। माना जीवन एक यात्रा है और खुशी यात्रा के साथ है, ना कि यात्रा के अंत में है। माना जब मैं यात्रा मेरी पूरी हो जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, ये गलत है, क्योंकि तब तक क्या आप रोते रहेंगे। तो हर क्षण का आनंद लेना चाहिए, हर क्षण यात्रा आपकी चल रही है। तो ये एक अच्छा तरीका है प्रेजेंट मोमेंट में जीने का, लेकिन लोगों ने भी उसको कैसे ले लिया, जैसे जिसकी बुद्धि होती है वैसे वो उठा लेता है, जैसे जिसकी बुद्धि होती है वैसे वो भाव को उठा लेता है। तो लोगों ने कहा अच्छा यात्रा का आनंद ले तो खाओ पियो मौज करो, इंद्रिय सुखों को भोग लो आप जितना भोग सकते हैं। मुझे कहते हैं आप तो डॉक्टर हो, आपको पता है इंद्रिया क्यों दी है, परमात्मा ने किस लिए दी हुई है। तो कहते हैं हम खुश रहे, आनंद ले इंद्रियों का, और आप लोग तो दमन करते हो, आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं, ऐसे हमको कहते हैं। कहते काम विकार तो नेचुरल है और आप सभी दुनिया के अपोज जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो। एक बार मुझे याद आ रहा है, मैं मेरे क्लासमेट के साथ हम उसे मिलने गए थे, तो अभी वो ENT सर्जन है, उसका भी दोस्त एक डॉक्टर आया हुआ था, और हम खाना खाने बैठे और मेरे क्लासमेट ने मेरा परिचय दिया कि ये डॉक्टर सचिन है, ब्रह्मा कुमारी से है। जैसे ही उसने ब्रह्मा कुमारी का शब्द सुना, उसका क्रोध ऐसे बढ़ गया जैसे कि मस्तक में उसके आग चली गए। इतना इतना गुस्सा आया कि इनको बैन कर देना चाहिए, बायकॉट कर देना चाहिए, ये दुनिया के अपोज में जा रहे हैं, नेचर के अगेंस्ट में जा रहे हैं। मैं समझ गया इसके घर में कोई तो बात हुई रहेगी, पवित्रता के ऊपर का ही झगड़ा है, हम चुप रहे ऐसे समय पर। मेरे दोस्त ने भी उसको समझाने की कोशिश किया, लेकिन उसका तो गुस्सा सातवें आसमान पर था। तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये सब होने वाला है। तो लोग हमको पागल समझते हैं कि ये बेचारे क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं। जब मैंने कम उम्र में बाबा के पास आया तो मुझे बहुत लोगों ने समझाया ये कोई उम्र नहीं है, 60 साल के बाद आप पुरुषार्थ करो, अभी तो आपको जीवन का आनंद लेना चाहिए। तो मैंने उनको सवाल पूछा, ठीक है आपकी बात मैं स्वीकार करता हूँ, आप मुझे गारंटी देंगे मैं 60 साल तक जी सकता हूँ करके। बोला ये तो गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो फिर और 60 साल के बाद मेरे संस्कार पक्के हो जाएंगे। जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो शरीर भी क्या होता है, रिजिड होने लगता है, कड़क होने लगता है, तो मृत्यु की तरफ आप जा रहे हैं। उस समय राम राम बोलो तो भी लाभ लाभ निकलता है मुँह से, और उस उम्र में आदतें बदलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 60 साल का अभ्यास होता है। उस समय फिर कोशिश भी करो तो मुश्किल है, असंभव नहीं है लेकिन मुश्किल है। तो ऐसे सब डिफरेंस है, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, रॉन्ग जजमेंट और राइट जजमेंट। कई आत्माओं आत्माएं बाबा के पास है जो कम उम्र में ही ज्ञान में आए, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। कम उम्र में, जैसे हमारी गुलजार दादी थी, कितनी कम उम्र में बाबा के पास आए। इन लोगों को निगेटिविटी की अविद्या है, बाहर के दुनिया में क्या चलता है, हालांकि दिखाई देता है लेकिन फिर भी अविद्या है। तो बहुत भाग्यवान है, इनकी बुद्धि इनको जजमेंट दे रहे हैं ना, कितने बाबा के बच्चे पवित्र जीवन जी रहे हैं, जजमेंट दे रही है बुद्धि उनको कि यही जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, पवित्रता ही हमारा श्रृंगार है, तो ये भी जजमेंट है। पर इस समय कलयुग में रॉन्ग जजमेंट से ही काम चल रहा है,
मुझे तो बहुत वंडर लगता है, कुछ बाबा के बच्चे यहाँ तक कहते हैं कि सचिन भाई पैसे दिए बगैर काम हो नहीं सकता है, अगर हमको काम करना है तो पैसे देने पड़ेंगे। मैंने उनको समझाया, इट्स योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है। जो व्यक्ति पैसे लेकर काम कर रहा है वो काम नहीं भी कर सकता, और हुआ भी ऐसे। तो कलयुग है, किसी ने तो मुझे अच्छा और बुरे व्यक्ति की व्याख्या बता दी कि अच्छा व्यक्ति वो होता है जो पैसे लेकर काम करता है, और जो पैसे लेकर काम नहीं करता है वो बुरा व्यक्ति है। तो देखो, डेफिनेशन माना व्याख्याएं भी बदलते जा रही है अच्छे और बुरे व्यक्ति के। माना पैसा लेना गलत नहीं है, पैसा लेने के बाद जो काम करता है वो अच्छा व्यक्ति है, और पैसा लेने के बाद भी काम नहीं करता है वो गलत है। मैं तो दिनों दिन इस डेफिनेशन को देखते जा रहा हूँ कि बार, इसका जो बेंचमार्क होता है, कट ऑफ बार होता है, वो बढ़ते जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा 1 लाख तक भ्रष्टाचार करना एकदम नेचुरल नॉर्मल होना चाहिए, उसके बाद कोई अगर लेता है तो उसको भ्रष्टाचार कहा जाए। तो मैं तो देखते रह गया, क्योंकि बहुत लोगों के साथ मिलना होता है तो हर एक के अपने अपने ओपिनियन होते हैं। अभी आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू स्टे फर्म इन योर बिलीफ्स, आपको अपनी मान्यताओं में निश्चय में पक्का रहना चाहिए। यहाँ पे दो प्रकार के लोग होते हैं, जो सच को मरोड़ते हैं, तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, और वो कहते हैं कि कलयुग है, ऐसे ही चलना पड़ता है, अगर नहीं चलोगे तो आप खत्म हो जाएंगे। मेरे पास कितने केसेस आते हैं, बाबा के बच्चे हैं, गवर्नमेंट में सेवाएं दे रहे हैं, अभी बिल्कुल ईमानदार है, बहुत ईमानदार है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो अकेले ईमानदार है और बाकी के लोग उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं। अगर आपने उनका सहयोग नहीं दिया तो आपके ऊपर आपको फंसा सकते हैं। तो प्रेशर में जी रहे हैं, तो निर्णय लेना पड़ता है आपको, या तो वहाँ कंटिन्यू करें या छोड़ दें। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं भी फार्मा इंडस्ट्री में मेडिकल एडवाइजर रहा हूँ, तो कई सारी बातें वो पुश करना चाहते हैं दवाइयों के लिए कि इस इंडिकेशन में दवाई दी जाए, जबकि वो अप्रूव्ड इंडिकेशन नहीं होता है, पर हमारी परमिशन के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है, अगर परमिशन नहीं दिया तो वो परेशान करेंगे, और परमिशन दिया और कुछ हो गया तो हमारे ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये बहुत डाइसी सिचुएशन होता है, मैंने ऐसा कि क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन अंतिम विजय सत्य की होती है, आपको युक्ति से वहां से निकल जाना चाहिए, वहां रहना नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत प्रेशर आएगा। तो बहुत सारे बाबा के बच्चे बड़े पोस्ट पर एक साइड लाइन का पोस्ट ले लेते हैं जिसमें ये सब बातें होती नहीं है, और आपके, क्योंकि आज नहीं तो कल फाइल कभी भी खुल सकती है और आप फंसने के चांसेस है। तो ये रॉन्ग और राइट की जजमेंट के बारे में हम कह रहे थे कि इस समय जो भी करेंगे वो रॉन्ग ही करेंगे। दुनिया में लोग वो कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, एक्चुअली गॉड डिस्पोज नहीं करता है, ड्रामा डिस्पोजेस, ये ठीक है, नर चाहत कुछ और भई कुछ और। तो इसलिए पाप कर्म दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी वैल्यूज को, अपने दिव्य गुणों को, अपनी धारणाओं को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए एट एनी कॉस्ट। खास करके पवित्रता के बारे में बाबा कहते हैं कि पवित्रता के लिए मर जाना पड़े तो भी मर जाना चाहिए। बाबा ने कहा है कि मर जाना अच्छा है पवित्रता के लिए। तो ये बहुत टफ होता है माताओं के लिए, लेकिन हर एक इंडिविजुअल केस है, मैं यहाँ पे वो बातें डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन हमको डिसीजन लेना है, करेंगे तो फायदा हमको, नुकसान भी हमारा है। तो रास्ते को एंजॉय करना जरूर अच्छा है, लेकिन रास्ते के साथ कंपेनियन को साथ में रख के रास्ते को एंजॉय करो, है ना।
बाबा को कंपेनियन बना के एंजॉय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आज के मुरली का गीत ही यही कह रहा है कि सहायक है। ओम नमः शिवाय में पितु पितृ माता पिता तुम बंधु और सहायक, ऐसे शब्द आया है। तो बाबा हमारा सहायक है, हमारे लिए इस धरती पर आया हुआ है। बाबा ने कहा मन में तूफान आते हैं, तूफान मन में आते हैं, और सतयुग में कोई भी तूफान नहीं आते, मन और बुद्धि अलग है। आज एक बाबा ने और साइंटिफिक बात कही है कि पांच तत्वों में भी कुछ चैतन्यता है, अब तो इसलिए वो समझते हैं कि उसमें भी आत्मा है, जैसे पेड़ बढ़ते हैं तो उसमें भी आत्मा है। बाबा ने कहा नहीं, आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करते हैं तभी चुरपुर होती है, बाकी पांच तत्वों में भी कुछ चैतन्यता है तभी तो बढ़ते हैं, परंतु उनमें मन बुद्धि नहीं है, वो संकल्प नहीं कर सकते, उनमें ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, वो केवल आत्मा में ही है। और बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही है, इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि मन में ही अच्छा या बुरा संकल्प आता है और फिर बुद्धि डिसीजन देती है करो या नहीं करो। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं एक ही बात में उनका प्रॉब्लम है कि जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं और जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, बस क्योंकि बुद्धि कमजोर है तो मन के प्रेशर के अंडर बुद्धि गिव अप कर लेती है। ये संस्कार जो है फोर्स डालते हैं विकार में जाने के लिए, शराब पीने के लिए, झूठ बोलने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, ये प्रेशर है, ये प्रेशर है संस्कारों का बुद्धि के ऊपर, क्योंकि संस्कारों को भी पता है कि जब तक बुद्धि सहयोग नहीं देगी तब तक कर्म में नहीं आ सकती कोई चीज, बुद्धि के ऊपर ही प्रेशर डाला जाता है, और अगर बुद्धि में ज्ञान नहीं है यथार्थ तो बुद्धि गलती कर सकती है। यहाँ पर ही हमारा राजयोग आता है, बाबा की श्रीमत आती है, मुरली आती है। अगर मुरली की बातें बुद्धि में है चाहे कुछ भी हो जाए, पवित्रता को नहीं छोड़ना है, वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, भले सूखी रोटी भी खाना पड़े, तो फिर बुद्धि शक्तिशाली बनती है और शक्तिशाली बुद्धि से योग अच्छा लगता है और हम अपने नजरों में भी बच जाते हैं। नहीं तो हमारा दिल खाता रहेगा, कुछ ऐसा काम किया जो नहीं करना चाहिए तो वो याद कर करके दिल खाता रहेगा, अपनी नजरों में गिरते जाएंगे। आज एक और बात बाबा ने कही है अनराइटियस की, कहते हैं हमको दर्शन करना है, तो बाबा ने कहा पाठशाला में प्रिंसिपल का दर्शन करना होता है क्या, वो तो पढ़ाई पढ़नी है ना, तो यहाँ पर भी पढ़ाई पढ़नी है, कोई कृपा वगैरह नहीं होती है। कृपा का अर्थ भी हमने देखा, कृपा माना कर और पा, बाबा ने श्रीमत दी है याद में बैठो, 8 घंटे का चार्ट रखो, चलते फिरते याद करो, ये सब श्रीमत दी है, अमृत वेला उठो, रात को सोने पहले चार्ट दो, निरंतर बाबा को याद, ये सब श्रीमत है, अभी चलना हमको है ना, तो इसमें बाप क्या करेगा, जो चलेगा उसके ऊपर अपने आप कृपा हो जाएगी, नहीं तो बुद्धि को ताला लग जाएगा, और बाबा ये ताला खोलने के लिए आया हुआ है। सो यहाँ से बुद्धि योग निकाल कर बाप और वर्षे को हमको निरंतर याद करना है। आज विशेष होली हंस को बाबा ने याद किया है कि होली हंस माना सदा ज्ञान रत्न चुगने वाले, क्योंकि होली हंस की निर्णय शक्ति इंपॉर्टेंट होती है, क्षीर निर्विवेक कहते हैं, दूध का दूध पानी का पानी, माना व्यर्थ और समर्थ में फर्क कर देता है, उसको कभी भी दुविधा नहीं होगी ये करूं या ये करूं। होली हंस माना स्वच्छ, कभी भी मैलेपन का असर नहीं, व्यर्थ की अपवित्रता नहीं, अगर व्यर्थ भी चलता है तो उसको संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। तो जितना हम ज्ञान का ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे तो उतना व्यर्थ से मुक्त होंगे, और इसको कहते हैं ज्ञान रत्न चुगना, और ऐसे बाबा के बच्चे ही होली हंस बनते हैं। और इनके जीवन में तूफान भी आते हैं, तो खिवैया साथ में है इसलिए तूफान भी तोहफा बन जाता है, तो डरिए मत, तूफान तोहफा बन जाएगा अगर खिवैया को हम साथ में रखेंगे और हमारी बुद्धि हर वक्त हमको श्रेष्ठ डिसीजन देगी कि यही करना है, यही करना है। तो
आज पूरा मुरली का टेक होम अगर आप पूछेंगे तो हर क्षण हमारे सामने चॉइस होती है, टू बी और नॉट टू बी, श्रेष्ठ कर्म या कनिष्ठ कर्म, रॉन्ग और राइट। तो बुद्धि जितनी स्वच्छ होगी उतना रॉन्ग और राइट में फर्क महसूस होगा, और गलत बातों को सीधा हम ना कहेंगे। मैं ये एडिक्शन में भी कहता हूँ बच्चों को, खास करके कोई आपका दोस्त आपको कहता है कि चल यार मेरी दोस्ती के खातिर एक कष्ट ले ले, तो सीधा ना कहना चाहिए। दोस्ती अपनी जगह पर है और बुराई अपनी जगह पर है, तो इतना पक्के रहेंगे हम तो हमारे द्वारा श्रेष्ठ कर्म होंगे और हमारा भाग्य भी श्रेष्ठ बन जाएगा। ये बहुत महीन बातें हैं। अच्छा, ओम शांति।